JNU में हॉस्टल फीस में इजाफे का मामला काफ़ी बढ़ता दिख रहा है। सोमवार को दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को छात्रों ने करीब 6 घंटे तक घेरे रखा। स्टूडेंट्स का साफ कहना था कि हमें सस्ती शिक्षा के साथ ही दीक्षांत समारोह मंजूर है। छात्रों का कहना है कि बढ़े हुए फीस स्ट्रक्चर से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी और उनके लिए पढ़ाई को जारी रख पाना मुश्किल होगा। JNU छात्र संघ के वाइस प्रेसिडेंट साकेत मून दावा करते हैं कि 40% छात्रों के परिवारों की आय 1.40 लाख रुपए से कम है। बता दें कि JNU के डीन ऑफ स्टूडेंट्स उमेश कदम ने इस यूनिवर्सिटी का पक्ष रखते हुए कहा कि हॉस्टल के चार्ज में 19 साल के बाद इजाफा किया गया है। अब तक छात्रों को खाने के लिए 22 रुपये चुकाने होते थे, अब हमने चार्ज को 44 रुपये कर दिया है। छात्रों का इस तरह से दैनिक खर्च 132 रुपये होगा। यही नहीं, JNU में अनलिमिटेड खाना मिलता है, इस लिहाज से यह सस्ता भी है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।